समाचार प्रकाशकों को कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए गूगल ने फ्रांस में 592 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। एलओसी से सटे दूर दराज के इलाकों में कोविड 19 वैक्सीन पहुंचाने में मदद के लिए भारतीय सेना आगे आई। नेपाल को मिला नया पीएम, शेर बहादुर देवबा ने पांचवी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। आयरलैंड ने वनडे क्रिकेट में पहली बार दक्षिण अफ्रीका को हराया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड 19 महामारी के चलते कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर बुधवार को स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई 16 जुलाई निर्धारित की।